पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के इकदाम नाकाफी करार दे दिए। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू में असद कैसर ने वाजे किया कि देखना होगा पार्लियामेंट वाले वाक्य की एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज होती है। नंबर वन मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमिन नहीं होने। हमने खुद देखना है कि जिस तरह वरूब साहब ने कहा कि आप एफआईआर किसके खिलाफ काटते हैं और कितना जुर्रत दिखाते हैं। दूसरी बात, मैं इसमें जो जलसा हुआ यानी कानून बन गया पटापट, और अच्छा 7 बजे आप लोगों ने जलसा ख़त्म करना है। मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जलसे जो है ना टाइम के मुताबिक होते हैं? क्या वहाँ जो लब लहजा इस्तेमाल होता है या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के लब लहजा इस्तेमाल होता है वो कोई मेरी गिरफ्त होता है? और फिर जो है ना कि चीफ मिनिस्टर ने जो इसके से बात की, चीफ मिनिस्टर साहब से हमने कल बात की है, उसने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि उसका इशारा जिंस की तरफ नहीं था कि वो कोई खातून है, उसका जो 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 इशारा था वो ओहदे की तरफ था।